बसी साहब स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो बाजार में जो अनएक्सपेक्टेड इम्पोर्टेड कमजोरी आई है, हम तो सोच रहे थे चीन की वजह से तनाव होगा, ये तो अमेरिका से आ गया, मतलब एक तरह से थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस टाइप हो गया मामला। बताएं सर कितना डरना है अमेरिका में, जो कुछ हुआ है क्या करना है, पहले बाजार का डायरेक्शन एक बार बता दें सर आज। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो जो हम सोच रहे थे करेक्शन वो अनिवार्य थी और आ गई, बहुत अच्छा है, हेल्दी फॉर द मार्केट है। मैं ये रूल आपको कहा था 15 सितंबर तक मार्केट में उतार चढ़ाव रह सकता है, बट फिर मैं रिपीट करता हूँ, सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर विल बी इवन बेटर। तो मैं अभी भी रख रहा हूँ कि एंड ऑफ सितंबर फर्स्ट वीक अक्टूबर तक जरूर 12,000, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस विल बी एन आउट परफॉर्मर। तो ये 10 दिन आपको अगर सिप करना है सिप कीजिए, बाजार में ये मौका मत चूकिए, बिकॉज ये जा सकता है 11,000, आई डोंट रूल आउट, क्योंकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, ग्लोबल क्यूज है, लेकिन इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। द अंडरटोन रिमेन्स अ लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट, और मैं जितना भी कह लूं आई थिंक वी आर हेडेड हायर बिकॉज लिक्विडिटी इज द प्री कंसर्न, और अब ओपनिंग अप री ओपनिंग इज सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ग्लोबली। तो 10 दिन की वॉलेटिलिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी है खरीदने की, एज तो स्किप करना इन द नेक्स्ट 15 डेज वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, तो परफेक्ट, ये है आपके लिए आए, अगले 10-15 दिनों में खरीदारी के मौके ढूंढे, सितंबर का दूसरा हाफ काफी बेहतर होगा। बताएं सर आपके अपडेट्स और साथ ही आपकी आज की नई कॉल्स भी। सर अपडेट तो ये है, कल के जो आपको बायस थे वो खड़े हैं, आपको टॉपिक था टीसीएस, मैं सोचता हूँ टीसीएस इज अन यूनिवर्सल बेस्ट बाय अभी, और मैं दोहरा रहा हूँ टीसीएस, सन फार्मा एंड एचडीएफसी लाइफ, अगर आपने सिप करना है इन तीन शेयरों में कीजिए, क्वालिटी नाम्स हैं, आपको आपको बहुत बढ़िया नफा देके जाएंगे। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, सर दो बाय हैं एक सेल है। जी सर बताएं प्लीज। तो पहला बाय है सर फार्मा विल बी अ सेफ गार्ड, लूपिन का शेयर मुझे बहुत पसंद है, लूपिन एज कंसोलिडेटेड, सन फार्मा के बाद ये मेरा टॉप पिक है, 966, 968, 947.50 का स्टॉप लॉस, 1020 का टारगेट। दूसरा बाय है सर जो कल सबसे स्ट्रांग नंबर्स आए एवर इन देयर हिस्ट्री, जिंदल स्टील 216.5 का भाव है, आज का स्टॉप लॉस आज का लो रखिए 212.60, 225 का टारगेट। और सेल में है सर बंधन बैंक, 8.5 का भाव है, 13 का स्टॉप लॉस रखिए, 295 का टारगेट। ओके, 295 का टारगेट, 208.5 के आसपास आपको करनी है क्वालिटी। मैं एक बार जल्दी से रख दूं, लुपिन पहला स्टॉक है जो 966-968 की रेंज में खरीदना है, 966-968, 947 हाफ का आपके लिए स्टॉप लॉस है और 1020 का टारगेट है। जेएसपीएल खरीदे 212.60 के स्टॉप लॉस के साथ और 225 का टारगेट होगा जेएसपीएल के लिए। और बिकवाली करनी है आपको बंधन बैंक में, यहां पर आप एक बार बिकवाली कर सकते हैं, 208-208.50 की रेंज में, 213 का स्टॉप लॉस है, 295 का टारगेट, माफ कीजिएगा 308 बंधन बैंक में, 308 के आसपास बिकवाली करनी है और 313 का स्टॉप लॉस है, 295 का टारगेट बंधन बैंक में। ये रहा है बसीन साहब की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया सर।